रहा मेरी मम्मी का ननिहाल। बैठ चुके हम गाड़ी में, जाते हैं, बाय बोलते हैं इनको, बाय चलो। गाइस पर्पल कलर की गोभी। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो अभी मैं घर पे हूँ और आपको दिखाती हूँ, मौसी आई हुई है। कल शाम को आ गई थी मौसी, और मौसी के लिए मम्मी ने बनाया है भटके डुबके हरी सब्जी, और पता नहीं दाल किसकी है, मिक्स दाल है, और पराठे भी बनाए हैं। और यह कासू ननिहाल से आ चुकी थी, खाने में नजर है इसकी। कासू ओ हेलो, हेलो गाइज बोलो, हेलो गाइज बोलो। है मौसी की लड़की सोना, इसको बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है, ये कपड़ा पहना है इसने, घूमने में है ठंड में। तो गाइज रेडी हो चुके हैं हम, मैं जाऊंगी मौसी के साथ, और आज हम सीधे डायरेक्ट जाएंगे बागेश्वर, क्योंकि झांकी निकलने वाली होगी, लेट होगी वैसे ही हमें। क्यों रो रही है जय? से डर रही है, इससे नहीं डरती, यह है जय, ये बच्चों को डराने वाला। ने लटका दिया है दही का डिब्बा, इस मम्मी ने मट्ठे भी रख दिए हैं, दही भट पता नहीं क्या क्या रख दिया बैग में। बाय कासू, कहाँ जा रही है, बाय करो, बाय भाई बोल दे, वो जाने के लिए बोल वो भाई बोल दे, और लॉलीपॉप भी है वो, दे दे छुटके उसको। नहीं चलो अब चलते हैं, से तू भी आएगी हैं, बाय करो, चलो फिर। गाड़ी रेडी हो चुकी है, बाय होने हो या बाय बाय। कासू नोज का है, नोज नोज का है, नोज दिखाओ, नोज कहां है तेरी, वेयर योर नोज, नोज। अब बैठ चुके हम गाड़ी में, जाते हैं, बाय बोलते हैं इनको, बाय चलो, बाय। क्या बोल रही है, फोकस करो। अब हम चलते हैं ठंडी हवा खाते खाते पहाड़ों की, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम बहुत वो रहता है, ठंडा रहता है, आंखों से ना आंसू आने लग जाते हैं इतनी ठंडी हवा आती है। इस अभी हम उतर चुके हैं बालीघाट में, यहाँ पे मौसी की दुकान पे रखते हैं सामान, ने यहाँ रख दिया है सामान, अब जाते हैं बागेश्वर मेले में। नहीं अब यहाँ से जाएंगे हम बाईपास सीधे कठायत बाड़ा, की मेरा बूढ़ा ननिहाल, मम्मी का ननिहाल। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं, ने कर दिए हैं कपड़े चेंज, तो मैं अपने मम्मी के ननिहाल आई हूँ, तो आपको अपने यहीं पर नानी से मिलाती हूँ, वो पता नहीं अभी कहाँ है, धूप सेक रही होंगी। रहा मेरी मम्मी का ननिहाल। नमस्ते, ठीक हो, पहचान दिया, कौन हो, क्या कर रहे हो, धूप सेक रहे हो। ये रहा मेरी छोटी नानी का घर। तो गाइज हम जाने लगे हैं मेले में, और जाते जाते स्कूटी की चाबी खो गई थी, और कहाँ मिली, बाथरूम में कपड़ों के अंदर थी, कपड़े धोते वक्त मिली, एक घंटा तो हमें स्कूटी की चाबी ढूंढने में ही लग गया। गाइज हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि पुलिस वालों ने बोल दिया है वापस घुमा लो। गाइज हम लेट हो चुके हैं, झांकी पुलिस वालों से पूछा हमने तो झांकी निकल चुकी है, बल जाते हैं सीधे नुमाइश खेत और देखते हैं वहाँ झांकी पहुँची है या नहीं। और सबसे पहले आता है यहाँ पे भूटिया मार्केट, मतलब हमेशा यहीं पे भूटिया मार्केट लगता है। गाइस झांकी तो यहाँ पे पहुंची हुई है, देखते हैं अब। अब हम कहाँ से बनाए, कॉलेज बागेश्वर, ये लोग क्या बने हैं, गणेश। हाँ हाँ माताएं बनी हुई है, काली माता, रावण। आधे बच्चे गए, फिर आधे अभी हैं, मतलब फ्लो नहीं बन रहा है, घूम के जा रही है। फ्लो लिया डांस,
इतना मेकअप लगाया है लोगों ने अपने चेहरे पे। गाइस अब मुझे समझ में आ गया है इतना लेट ये झांकी का जो फ्लो है ना टूट क्यों रहा है। फोटो लेने की वजह से बीच में फोटोग्राफर रोक के फोटो ले रहे हैं, पूरा फ्लो टूट गया है। अब आधे यहाँ भटक रहे हैं, आधे आ गए और आधे हम बीच में घुस चुके हैं। पब्लिक तुम क्या बने हो देवता? चलो फिर हो जाए, देवता तो आया नहीं है। हाँ करो वैसा सुर बनने के लिए जाओ। अब मरेगा महिषासुर। कहाँ गया, पीछे रह गया वो। इनके फाइटिंग देखो। हम जाते हैं प्रोग्राम देखने, अभी तो सबका स्वागत कर रहे हैं। आप देखते हैं हमें सीट मिलती है या नहीं मिलती। आगे से जला दिया इतनी पब्लिक बैठी हुई है। तो उद्घाटन हो चुका है, अब हम बैठेंगे आगे से। तो गाइस अभी प्रोग्राम वगैरह तो होंगे नहीं क्योंकि स्टेज पे अभी वो लोग सब बैठे हुए हैं, तो जितने भी गेस्ट आए हैं उनका स्वागत वगैरह होगा। तो हम वहाँ पे रुके नहीं, अब हम मेला दिखाते हैं आपको, ठीक है? झूले वगैरह क्या क्या लगे हैं इधर? है चरखा लगता ही है, इस बार नया वाला क्या है? गाइस कोलंबस वाले में मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगती है। पहले मैं कोलंबस वाले में बैठ जाती थी तब मुझे डर नहीं लगती थी, लेकिन मुझे नॉर्मल में जैसे बैठना होता है ना झूला खा के था तो मुझे बहुत डर लगी। उसके बाद तो सच में डर लगती है। नीरज भैया भी मिल चुके हैं आपको भी। घूमते हैं यहाँ, शॉप वगैरह देखते हैं। गाइस आज फर्स्ट डे है ना, तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फर्स्ट डे में इतनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे है हर माल 5 रुपये, तो मैं लूँगी सर पे लगाने वाले ये रबर बैंड। गाइस हर माल 5 रुपये से मैंने ये दो सर पे लगाने वाले गजरे ले लिए, क्योंकि ये अल्मोड़ा में 30 रुपये के आ रहे थे। मोसियर मैंने ले लिए और दुकानें आपको खाली दिखेंगी, सिर्फ 5 रुपये वाले सेल में इतनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ लगती है नुमाइश, तो हम देखेंगे क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। ये कौन सी सब्जी है? गांठ गोभी। गांठ गोभी, ये लंबा कद्दू है, लंबा कद्दू। गाइस पर्पल कलर की गोभी। आनु भी आ चुकी है और ताई भी आ चुकी है। चलो अब घूमते हैं। ये बड़ी बड़ी सब्जियां, बाप रे इतनी बड़ी लौकी। सानो तेल से भी बड़ी लौकी है। यहाँ भी क्या क्या रखे हैं? गिंगारू पल्प सहित कचनार, ये सारी जड़ी बूटियां हैं। अचार भी आए हुए हैं, तिमल का अचार। सानू कौन सा अचार पसंद है तुझे? किसका अचार खाएगी? आंवला, कुछ भी लगा दे रही। मोटा अनाज, मोटा अनाज में क्या क्या आता है मैं क्या क्या पहचानती हूँ? ये है मक्का, ये पता नहीं, ये राई, ये गेहूँ, ये जौ, ये बाजरा, इसका नाम पता नहीं है, तो इसको बोलते हैं झुंगुर। रिमोट एरिया लाइट, मतलब जहाँ लाइट कनेक्शन नहीं होगा वहाँ ये यूज हो सकती है ना। हॉट केस कितने का एक? आगे से आगे तो बैठ गए हैं, प्रोग्राम स्टेज पे नहीं हो रही है, नीचे हो रहे हैं। गाइस अब दिखाते हैं आपको बागनाथ गली का डेकोरेशन, यहाँ किस तरीके से डेकोरेट किया है, अच्छा लगेगा। लेकिन इस बार ना नदी के साइड में, मतलब ये बगड़ साइड में एक भी शॉप अलाउड नहीं करी है, मतलब तभी आप देख सकते हैं यहाँ पूरा खाली है, क्योंकि ये सारे कचरा मचा के चले जाते होंगे, इस वजह से बंद किया होगा, वरना अदरवाइज मुझे रीजन पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। मतलब इस बार दुकानें बहुत कम है क्योंकि इनको तो अलाउड किया नहीं नदी साइड को, तो सब कुछ ऊपर ही है। यहाँ लगे हैं दो चार दुकानें होंगी। बागनाथ मंदिर का डेकोरेशन देख लीजिए आप, अंदर तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम जा रहे हैं खाना खाने पहले। अब हम सीधे आ चुके हैं मामू की दुकान में। अब संतु यहीं रहे, ठीक है?
तेरे पापा आ गए वहाँ पल्लू क्यों रोची सीधे आए मंगल में सबसे टॉप में जाएंगे यहाँ अच्छा रहता खुला खुला सा बताओ क्या खाओगी इसका तो एक ही चीज़ है रसमलाई गाइस हमारे मोमोज आ चुके हैं मैं खाऊंगी नॉन वेज मौसी भी नॉन वेज ताई वेज ये खाएगी रसमलाई हम लोगों ने खा लिया ये मुझे खींच के ले जा रही चल देखो इतने छोटे संतरे ये किस चीज में काम आएंगे मंदिर के लिए गाइस अब शाम के बज चुके हैं 4 अब हम जा रहे हैं घर को पता नहीं गाड़ी मिलती है नहीं मिलती तो हम आ चुके हैं फिर से कठैत बाड़ा गाउली गैर यानी कि ताई के ननिहाल मम्मी के ननिहाल ये है सानू काज का ये है सानू का डॉक्टर सेट तो सानू मिल रही है अपनी अम्मा से कौन है सानू ये कौन सी अम्मा गाउली गैर की अम्मा कितनी अम्माएं हैं यहाँ तो बहुत अम्माएं हैं क्या नाम है पास एक खिलौना है जो वॉइस रिपीट करता है चलो इसको इससे गाना गवाते हैं मेरी सारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है अरे अब बंद कर दिया तो गाइस अभी रात हो चुकी है और यहाँ आज है घुगटी का त्योहार तो त्योहार बन रहा है रुक जाओ त्योहार दिखाते पहले ये बन रहा है और नानी बना रही है आज हम यहीं खाएंगे घुगटी कल सुबह बुलाएंगे कौवे को और यह है चुटकी खाने के लिए आ जाओ अभी तो क्या ही आएंगे 2-3 दिन बाद जाएगा ब्लॉग और ये हमारी नई मामी है मैं तो शादी मान नहीं पाई गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय हम घुगटा खाते हैं अंधेरा हो रखा है